कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे विद्यार्थी है, बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि 21 फरवरी के दिन आपको एमपी बोर्ड में टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। सेट ए अपन पढ़ेंगे, सेट बी पढ़ेंगे, सेट सी डी ई एफ तक अपन चलेंगे। 72 से मैं इंपोर्टेंट पेपर आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपका फंसने वाला है। तो यहां से देखिए, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जो थे कनिंघम थे। गंधार कला किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। प्रयाग प्रस्थित के लेखक जो है वो है हरी सेन। यूनेस्को में हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को अपन कहते हैं झूम खेती। बिहार में विद्रोहियों के इनका नेता था कुंवर सिंह। और यहां से अपना ये पहला जो है ऑप्शन है, इसका आ ऑप्शन राइट रहेगा, इसका अपना पहला दूसरे का ए ऑप्शन राइट रहेगा। यहां से देख ली, चलिए अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता के समय शहर के, हड़प्पा सभ्यता के समय जो लोथल था, लोथल शहर बंदरगाह था। कौन सा शहर था हड़प्पा सभ्यता के समय? लोथल। घर का जो मुखिया है ना वो डेडेस होता है, गृहपति होता है, गृहपति, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका सुल्तान जहा बेगम भोपाल की शासिका थी। कृष्णदेव राय नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और अगला पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा आपका, यहां से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का मिलेगा, तो ये यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। यहां से हो गया है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम का जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टाध्यायी पाणिनी, सांची की जो खोज है, सांची की खोज 1818 ईस्वी में। हिंदू ए तोता, अमीर खुसरो, बुक्का राय संगम वंश, कानपुर नाना साहब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हो गया। चलिए इसके बाद में अगला यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी है। बढ़िया से मैं कह रहा हूं ना, आप कंप्लीट करो, मैं ऐसे आपको है ना सेट ए बी सी डी ई एफ तक प्रोवाइड कराऊंगा। कहां तक? 6 पेपर रहेंगे आपके, एफ तक रहेंगे। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, ठीक है, अच्छी तैयारी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मौर्य काल के में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मौर्य काल में सहहर्ता था। पितृवत्सिकता का क्या अर्थ है बौद्ध धर्म से? इब्न बतूता को कहां का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ये गलत हो गया है।
पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? ये तो उसका मतलब था पिता पर चलने वाला वंश। इब्न बतूता को कहां का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? दिल्ली का। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रैयत। या मुजारियान। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने में कब प्रस्तुत की गई? 1813 ईस्वी में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारत में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, कंप्लीट आपको कर लेना है अच्छे से, है ना? ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला आप देखोगे तो आपका आ जाएगा सत्य और असत्य। ठीक है भैया, क्या है? सत्य और असत्य आ जाएगा, है ना? अब सत्य सत्य को पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सत्य। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का बच्चों का गलत हो गया है थोड़ा सा, ये 1813 जो है ये आपका पांचवा आ जाएगा, है ना? और ये 6 जो है ये छठे नंबर पे 6 आ जाएगा, और संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य बात है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये प्रथम सालू वंश था क्या? ये आपका असत्य रहेगा, ये भी आपका असत्य है, और अंतिम जो है वो आपका असत्य रहेगा। चलिए बढ़िया से कंप्लीट करिए, मैंने कहा ना आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस हमारे उद्देश्य यही है। ठीक है, ये देखिए अगला देखते हैं यहां से, है ना? चलिए भारतीय, ये सारे क्वेश्चन क्या है बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि क्या है बच्चों पे मैं नोट से तैयार कर रहा हूँ कोचिंग में, है ना? यहां से आप देख लीजिएगा, ये सारा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों की का और हड़प्पा सभ्यता नगर के 4 निर्माण योजनाओं की विशेषताएं हो गई। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। सती प्रथा में कौन कौन से तत्व, ये सारे क्वेश्चन आपको है ना मैं बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहां से देखिए, हो गया, फिर ये यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जावे ना, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, ये फिर यहां से हो गया, ये यहां से
स्क्रीनशॉट लेते यार जी। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 ये सूफी मत क्या था, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन।